ये जो ये स्वेटर में हमने नमूना बना रखा है, ये मैं आपको नमूना बता रही हूँ। इसमें दो दो ऊन से ये नमूना कैसे बना हुआ है, ये इस तरह इसमें हमने फंदे डाल रखे हैं। पहले ये सफेद ये नीला बुन रखा है, ये नीले ऊन से बुना बनाए दो दो रंग दो सिलाई। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करें, ये दूसरी ऊन लगाएं। जो हमने ये सफेद बना रखी है सफेद लाइन, ये दो सिलाई सीधी प्लेन कर इसके पीली की करें। सफेद ये वाली हमने सफेद कर दी है, अब हम ये डिब्बी डालेंगे। डिब्बी के लिए ये शुरू में एक फंदा सीधा बुन लें, दो फंदे पीले बुने, ये तो दो फंदे ये बुन रखे हैं। पांच फंदे ये वाले पांच फंदे बुने, तो दो फंदे सफेद पीले बुने। तो यहाँ हमने एक फंदा बुना है, ये एक फंदा तो बुन लें। सिलाई के इसमें आता है उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करें। पीले के ऊपर पीला करना है, नीले के ऊपर नीला करना है। ये हो गई हमारी। अब जो ये सिलाई है तीसरी सिलाई है, ये पीले तो पीला करना है। पहले दो फंदे बैंगनी बुन लें, ये तीसरा फंदा जो है इसे पीला करें। फिर दो बैंगनी बुन लें, फिर ये सफेद बुने पीला बुन लें।
पीले के ऊपर पीला, बैंगनी के ऊपर बैंगनी, इसी तरह बुने। ये हो गया हमारा। अब 5 पिंसल आई, शुरू का एक फंदा यही बुना, ये दो ये पीले बुने, फिर 5 फंदे बुने, ये पीले वाले में भी को भी बैंगनी ही बुनना है। ये हमारी डिबी हो गई है, यहाँ तक बन गया है ये। अब इसके ऊपर हम ये सफेद है, हम ये बैंगनी से करना है। बैंगनी पीले से करना है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करनी है। ये बैंगनी है, विदो सिलाई बैंगनी करें। फिर पीला करें, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करनी है। इस तरह ये हमारी डिब्बी का रिजन तैयार हो गया है। ये हमारा रिजन बन गया है। ये हमारा ये जो ये पीला सफेद करा था, ये पीला हो गया। अब इसके ऊपर फिर ये इसी तरह ये रिजन डालें।